अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी। आयो थारे बारने, क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे पारने, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे पारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा, इतरो मत बन मुंजी, और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, अरे पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला, लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो। कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार करो ना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजी मारा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो, आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में, समुद्रिया में कूद पड़ो। क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है।
बोले तेरी बात सुनी अजमल ने समदरिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया बोले भगवान की कर दो खबरा मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान हो कहीं बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला बरस इकसठ वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले इकट्ठा बदरे कारणे दुनिया माने मोसा बोले इकट्ठा बदरे अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उग्यो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंडिया घर रो सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाश गर्जना हुई और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खम्मा खम्मा
कम्मा हो खबरी अजी मान राम खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीओ गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीर ले अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी जाननी अजमल घर अवतार लियो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरजी भरी लादा बालिका नात्री लीला देखी पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीरले पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगलिया मंडाया और दूजो परचो माता मैणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई दो दो बाण की देख पालनिए मेणा दे शंका लाई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू हो जो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया री शंका ने मिटी दूध उफण तो लियो लीला देख
सिद्धो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो पूजी रात जियो। ओ खम्मा घणी घणी खम्मा राजा राम साहिब घणी घणी खम्मा राजा राम साहिब हो घणी घणी खम्मा राजा राम साहिब। हरि गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाया उथे पाछा कहीं आ जा ओ मन साची साची बात बताओ जियो। तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो। खम्मा 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 रे कंवरे अजीमा रूणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रूणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो। खम्मा खम्मा गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है। भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात। अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझियाओ। एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अन्नदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो। खम्मा 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 रे कोबरे रूनी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो। खम्मा 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 रे कबरे अजीमा बोले ठाकुर साहब अन्नदाता आप तो मालिक हो पर अन्नदाता आप बांझिया हो और बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझी आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं। अब देखो करसा अवल कावल शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई। किसान आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया
अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा। जब पतिदेव ने मैनादेव जी उदास देखा तो बोल दियो, पिया जी ओ सजना, आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो, कई बात है, आप बड़ा दुखी हो, आप मने बोलो। अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया, बोले रानी बांजियो के वेरे मारो, मुख नहीं देखे अरे बांजियो के वेरे मारो, मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो, खम्मा 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 रे कबरी अजीमा, रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो, खम्मा 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 रे कबरी अजीमा। अब देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका, आंखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी, मैना देने कहने लगा, बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले, बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेला। मैनादेव जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले पिया जी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले आ जाओ, और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया, बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका, पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरिया री आस लिया, अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश रे मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो, और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौकट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज, अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, आयो थारे बारने, क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकटा बद दे, दुनिया माने मोसा बोले किटा बद दे कारने, दुनिया माने मोसा बोले किटा बद दे कारने, बोले केवे केवे
अजमल सुन सांवरा इतरो मत बन मुंजी। और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला। लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो। पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखे हो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी। और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी, अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया। मंदिर पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज, पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में, समुद्रिया में कूद पड़ो। क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा, आय सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने। भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुने हो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान हो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी, आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो, नहीं तो तू कोई बारह बारह साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करी
सी बरस चौपनो नयो बास जग बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला बरस इकसठ वो नास भादवो नयो चांद जग फूगेला सुन रे अजमल थारे की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे Oh,